आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। कमर्शियल माइनिंग तथा श्रम कानून में संशोधन का विरोध, संयुक्त मोर्चा ने कोयला मंत्री का पुतला फूंका। कमर्शियल माइनिंग तथा श्रम कानून में संशोधन के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित आंदोलन के तहत गुरुवार को डकरा स्टेडियम में कोयला मंत्री का पुतला दहन किया गया। श्रमिक संगठनों के नेताओं ने कहा कि भारत सरकार कमर्शियल माइनिंग को रद्द करे एवं CMPDI को अलग करने का प्रस्ताव को वापस ले, साथ ही श्रमिकों के अधिकार की कटौती करने वाले श्रम कानून में संशोधन करना बंद करे। सरकार ने कोयला मजदूरों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से कोयला मजदूरों का भविष्य खतरे में है। कोयला उद्योग को निजीकरण करने की साजिश है। मजदूर अब अपने हक अधिकार के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। कामगारों के एकजुटता और आंदोलन की वजह से कोल ब्लॉक का आवंटन करने का निर्णय स्थगित करना पड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम कुमार तथा संचालन शैलेश कुमार और राजन सिंह राजा ने किया। प्राइवेट की ओर बढ़ेगा और जब कोयला खदानें प्राइवेट होगी तो स्वाभाविक है कोल इंडिया का जो कोयला है वो ऑटोमेटिक महंगा में बेचना होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का जो कोयला होगा उसको कोयला का उत्खनन करने में भी खर्चा कम पड़ेगा, उसमें मैन पावर यूज का होगा। आज जो हमारे सीसीएल के कामगार है जिनका 70,000, 80,000, 90,000 पेमेंट है, उसी नेचर का काम प्राइवेट कंपनी में जो लोग करते हैं 15,000 से 20,000, 18,000, 17,000 के तनख्वाह में करते हैं, पूरी इंडिया कंपनी बुरी हो जाएगा। क्योंकि सीसीएल को पूंजी ज्यादा लग रहा है कोयला निकाल ले तो जो मजबूरी है कोयला को हम महंगा बेचेंगे, तो एक तरफ एक दुकान में सस्ता सेम वही क्वालिटी का चीज, दूसरे तरफ महंगा सेम वही क्वालिटी का चीज, आप खुद समझ सकते हैं इसीलिए ये सारी बातों को समझने की जरूरत है साथियों। और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अब अंधेरा ही हो जाना है। और आप कि जब हमारे पूर्व के जो हमारे जो नेता लोग रहा करते थे उनके आंदोलन पर हमारे जो मजदूर भाई हैं दिल्ली रांची पूछ कर जाते थे काम पे, लेकिन हमें खेत के साथ करना पड़ रहा है कि आज हमारे इनके एरिया में हमारे मजदूरों की जो संख्या है और जो हम लोगों का हम संयुक्त मोर्चा के नेताओं को उम्मीद थी, आज हम लोग इस ग्राउंड में और क्षमता न देंगे, हम लोग को कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंच रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे जो मजदूर है ये आपकी अस्तित्व की लड़ाई है, अगर आप नहीं चेतेंगे तो भविष्य में आपको सिर्फ हाथ मारने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। आप देखिएगा थोड़ा पीछे जाके देखिएगा तो आपको धीरे धीरे सारा सुविधा कटौती किया जा रहा है। ये तो संयुक्त मोर्चा का बहुत बड़ा आभारी है सभी मजदूर, कम से कम जो वंचित है उनको भी मिल रहा है, प्रबंधन पर बीच बीच में दबाव दिया जा रहा है जिसके